अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी बेगम के कज़न है, उनके घर पे दावत है। ये पीछे मेरा ससुराल, पीछे जितने नज़र आ रहे हैं ना घर, ये उनके चाचाओं के बेगम के। ये देखें, ये हमारे ससुर की ज़मीन है। इसमें ये भी क्या बोलते हैं उसको, भुट्टा सिल्ट है जिसे यहाँ पे बोला जाता है। ये है, ये इनके चाचा की ज़मीन है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, जुम्मे की नमाज़ पढ़ूँगा और वहाँ से सीधा जाऊँगा दावत पे। सब चले गए, मैं रह गया। अच्छा, मैं तो जा रहा हूँ दावत पे ना। हमने जहाँ नमाज़ पढ़ी हुई है और सरकारी अस्पताल में जामे मस्जिद है, वहाँ नमाज़ पढ़ी। आज जो है पूरे पाकिस्तान में और बल्कि क्या पूरी दुनिया के जो कुछ ममालिक हैं, उन्होंने भी जो इस्लामी ममालिक हैं, कुरान की बेहरमती में बहुत बड़े मुजाहरे का ऐलान किया है। जो मुख्तलिफ पार्टियाँ, सारी पार्टियाँ, जमात इस्लामी है और क्या नाम है, पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी, हमारे जो है वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, तो उसमें पूरी पार्टियां मिल के एहतजाज रिकॉर्ड करें। तो ये जगह जगह पे लगे हुए हैं ना, मुजाहरे हो रहे हैं। ये है उगी बाज़ार, मेन चौक कहलाता है ना, उगी बाज़ार का मेन चौक। मैं जो यहाँ पर आइए, देखें यहाँ पे तहरीक इंसाफ वाले हैं, जमात इस्लामी वाले हैं, सही है। उस बेहरमती पे यहाँ पे पूरा जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। अच्छा, टीपीएलपी वाले भी मैंने यहाँ देखे, वो नीचे जा रहे हैं। मैं आपको चाहते हुए यहाँ से दिखाता हूँ, लेकिन मैं लेट भी हो रहा हूँ। लेकिन इसमें बोलते हैं शहीदों में नाम लिखवाने वाली बात है। ये उगी का मेन चौक कहलाता है, सही। ये रास्ता जाता है बटल की तरफ, ये जाता है दरबन की तरफ, ये जाता है बटग्राम की तरफ, ये है मानसेरे का रोड। ये उगी का मेन चौक कहलाता है ना, जहाँ ज़्यादातर मुजाहरे वगैरह जो भी होते हैं ना, वो इधर तो होते हैं। और ये पहली ऐसी जगह है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ बदअमली नहीं होती। पहले से सिक्योरिटी आ जाती है, बता देते हैं, पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, सब अमन में होता है। चाहे कोई भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा, पूरा अमन तरीके से कराएगा। हम पहुँच गए, ये ऊपर घर है, ये नीचे नदी बह रही है। ये दिखाओ भाई, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये नदी है, ये इस तरफ से आ रही है, इधर का ये यहाँ से आ रही है। ये नदी जो है ना, ये थोड़ा गंदा पानी इसलिए है कि कई टाइम से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अगर हफ्ता 10 दिन भी बारिश नहीं हुई तो कचरा जमा हो जाता है। ये पहाड़, बारिश होती है, पहाड़ों से पानी यूँ आता है, फिर ये नदी बन के ये बह रहा होता है। ये पानी साफ भी होता है, गंदा नहीं रहता, हर वक्त साफ़ सुथरा भी रहता है। और ये जो है दूसरे पुल बनाने के लिए एक ढांचा खड़ा किया हुआ है। 1, 2, 3 पिलर है, चौड़े चौड़े, इतने चौड़े और ऐसे लंबे लंबे। मेरे ख्याल से 2.5-3 मीटर का एक पिलर होगा और चौड़ाई इसकी होगी कम से कम 2 से 3 फुट होगी तकरीबन, 2.5 फुट कर लेंगे, 3 फुट, 2 से ऊपर या 2 फुट होगी। ये पीछे चारों तरफ जो है ना, तो मेरा कैमरामैन के पीछे पहाड़ी है, लेकिन यहाँ पे ओड़ कह दे, यहाँ पे जो है दरख्त वगैरह लगे हुए हैं कि उसकी वजह से जो ना पहाड़ी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम पीछे जाएंगे ना वहाँ से पहाड़ी ये साफ नज़र आएगी आपको। ये है बिरयानी, ये है कबाब, ये है मामू और ये है सलाद, फिर कबाब, फिर सालन भी है। आहिस्ता आहिस्ता माल आ रहा है, चिकन सालन भी है और छोले की चाट भी है। माल बहुत छुप छुप के आ रहा है, ये मुझे पता था। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे इंतज़ार में। रमीश क्या बोलता है, केक तो मुफ्ता तोड़ने आए, ऊपर से सोच भी रहे बताते हुए। सब कुछ तैयार है। अच्छा, अब हम खाना खाते हैं, खाने के बाद आपको हड्डियाँ मड्डियाँ दिखाऊंगा ताकि यकीन हो जाए कि हमने खाए। ये है अपनी सास के घर में कैसा दम मस्त हो के खा रहा है। माज़ अम्मात रफ़ी देख रहे हो। अब हम करते हैं खाना शुरू और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा, तक ये है आम, इंग्लिश में दिस इज़ अ मैंगो, साथ में कस्टर्ड। 2 कटोरी खा चुका हूँ, तीसरी आ गई है। ये है आम और वो भी है आम, आम ही आम भाई। आज तो खा के पेट फट रहा है मेरा, लेकिन बहुत मज़ा आ गया खाने में। ये खा के डकारे ही नहीं ख़त्म हो रही। हम घर से निकल गए जी, हम जहाँ थे उस इलाके का नाम है, उस गांव का नाम है हाजी कमर। अब हम ये है मानसेरा का रोड, ये बताते हैं मानसेरा अड्डे को। बहुत लंबा रोड है, कम से कम घंटा सवा घंटे का रास्ता है बाइक को।
तो हम इस पर थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, देख रहे हैं खूबसूरती, देखना चाह रहे हैं जगह जगह की। तो ये मेरे आप जो है ना सीधे हाथ में मानसरा जाते हैं, ये पहाड़ी है, मैंने आप बोला ना मैं पहाड़ी दिखाऊंगा, ये वो पेड़ों की वजह से नज़र नहीं आ रही थी नीचे। हम थोड़ा सा रोड पे आए तो ये सामने सारी पहाड़ी है। इसी तरह चलते हैं और आपको दिखाते हैं, असल में मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरे इस कज़न को बाइक चलाने दिया। ये मानसरा रोड है ना, तो ये हाजी कंवर से थोड़ा सा आगे। अच्छा तो ठीक है, ये बारिश हुई अभी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो ये हर तरफ सब्जी सब्जा है। ठीक है, सब्जा ही सब्जा नज़र आ रहा है बारिश की वजह से और जो कर। हाँ तो हवा भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त लुक है, ये सफ़ेद चूना है यहाँ से निकलता है कुदरती। ठीक है, हाँ इधर से इसकी एक कान है। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर से निकलती है कुदरती। ये देखिए कहाँ से निकल रही है ऊपर पहाड़ी में, ये आगे एक जगह है आपको बताएंगे कि आप कहाँ से निकल रहे हैं, जाना पड़ेगा। पीछे जगह है आपको दिखाएंगे, ये व्यू दिखाऊंगा। से मशहूर है ये जगह, कौन सी जगह है ये जगह? सुसर गली के नाम से मशहूर है। ये आगे आगे वाहिद भाई, ये आगे वाहिद भाई, हाँ साइड पर हो गए। ये इस बंदे से थोड़ा सा इंटरव्यू ले मौलाना, सही है सही है। क्या नाम है इनका? वाहिद भाई, तेरा दोस्त है? वाहिद भाई से कुछ पूछ ले। काले वाहिद भाई खैरियत से है? अस्सलाम वालेकुम, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र यार, मैंने आपको कभी कहीं देखा उधर वो शादी पे नहीं देखा? अच्छा 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 अच्छा, मलाइक साहब की बेटी की? हाँ हाँ, उसी के लिए तो आया था कराची से। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ एक जगह दावत थी। कौन सी जगह? ये अपना क्या नाम है उस जगह का? हाजी कमर। हाजी कमर, हाजी कमर, मुझे तो नाम ज़्यादा नहीं आते क्योंकि आना कम होता है। अब हम यहाँ सुसल गली आए, सुसल गली है ना सुसल, और यहाँ सुसल के मोड़ भी हैं आपके आगे, ये सामने, ये सामने। तो यहाँ से ऊपर जाते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे हमारे देखने वाले को कि ये जगह किस तरह मशहूर है, ये पहाड़ी में ऐसी क्या खासियत है? ये बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हुकूमत को यहाँ पे फोकस होना चाहिए कि ये जगह अच्छी बना ले टूरिस्ट के हिसाब से। टूरिस्ट के लिए ये नारायण का गंज से बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी। चले हम आगे थोड़ा सा और आगे चल के देखेंगे। आज तो हमारा पिकनिक का प्रोग्राम तो नहीं है, तो वैसे ही सैर सपाटे के लिए निकला था, तो आगे चल के आपको और भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ से जो ये व्यू देख रहे हैं ना, ये आप व्यू देख रहे हैं सामने, ये बहुत ही प्यारा और दिलकश व्यू है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, बहुत खूबसूरत जगह है ये, साथ में पहाड़ी, पहाड़ियों पे घर, बहुत ही प्यारी जगह है। रमेश भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ये बहुत ज़बरदस्त ठंडा पानी है, ये रोड है ना, रोड के बीच में से आ रहा है, ये देखें ऊपर। हाँ सही, हाथ थोड़े से ठंडे कर रहा हूँ, पानी बड़ा ज़बरदस्त है, मज़ा माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है इसे पानी। चलें अच्छा पानी है, हम भी हाथ मुंह धोकर देखते हैं कि कितना प्यारा पानी है। हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे एक मज़ार है, ये तो मज़ार नहीं है खैर, ये एक कमरा है। असल मज़ार वो है बाबा का, एक बाबा खाकी शाह के नाम से मशहूर है। और ये देखें यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, तमाम अहल इस्लाम को जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो, मन जानिब मरकज़ी मिलाद कमेटी तहसील उगी। अब जब दोबारा 12 रबी अव्वल आएगा, यहाँ पे दोबारा एक साफ़ सुथरा चूना करके दोबारा लिख दिया जाएगा। ये खाकी शाह बाबा के नाम से ये जगह मशहूर है, खाकी बाबा शाह के नाम से, खाकी शाह बाबा के नाम से ये जगह मशहूर है। सही है सही है, तो मेरे ख्याल से इधर खाकी शाह बाबा की कब्र आगे मौजूद है। अच्छा यहाँ पे, हाँ आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, खाकी शाह बाबा सामने मीज़ार सा बना हुआ है। सही सही, इसके अंदर कपड़े हैं, ऊपर चादर भी ओढ़ी हुई है। सही, तो ईद के दूसरे दिन यहाँ पे मेला भी लगता है। ईद के दूसरे दिन? हाँ जी, ईद के दूसरे दिन यहाँ पे मेला लगता है। अच्छा। ये जगह हाकी शाह बाबा के नाम से मशहूर है। सही लगा हुआ था। ये रमेश भाई ऊपर आ गए मेरे साथ, यहाँ तक पहुँच गए, ये ऊपर से आ रहा है पानी। ओहो, मैं भी हाथ मुंह धो के देखता हूँ कितना ठंडा पानी है, मुझे भी पता चल गया। सही है ना, तो मेरे तो सुन के ही मुझे इतनी ठंड लग रही है, तो हाथ मुंह क्या धोऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हाथ मुंह धो लूँ।
इधर लगाना रमी बन जाना यार लोग बस। ओए रमीश भाई ये तो बहुत ठंडा है यार, ये गर्मी में इतना ठंडा पानी। हाँ बहुत ज्यादा ठंडा पानी है भाई, ऊपर से पहाड़ियों से आ रहा है ना। तो साफ कितना है यार माशाल्लाह, मेरे हाथों से भी ज्यादा साफ पानी है। ओ माशाल्लाह मजा आ गया भाई हाथ में धोने। ये साफ है, पीने का है, ये पीने का पानी है मेरे भाई। हाँ पीने का तो है, ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। नहीं नहीं ऊपर जगह भी नहीं है जाने की, फिसल के गिर जाएंगे, हमारी तो आदत भी नहीं। ये तो बहुत मज़ा आई है माशाल्लाह, बाल तो नहीं है लेकिन फिर भी आपका भाई बना लेते हैं, सेटिंग कर लेते। मैं तो अब यहाँ से उतरूँगा, आसान है उतरना, वहाँ से बहुत मुश्किल से चढ़ा था। अच्छा भाई हम तो यहाँ तक आ गए माशाल्लाह, अब वो जिस कज़न से बाइक लाइए लेकर आए हैं उसको बाइक चाहिए ना, चाहिए मतलब ये है कि वो दुकानदार उसकी ज़रूरत। वह तो घंटा डेढ़ के लिए भी करीब जगह है, अब हम चलते हैं वापस। और क्या नाम है, घर जा रहे हैं, वहाँ मुझे एक और काम है। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, दोबारा मिलेंगे इसी तरह बेहतरीन जगह आपको दिखाऊँगा, आप खुश हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप सबकी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए अल्लाह ताला। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, मेरे साथ अपनी मोहब्बत इसी तरह बरकरार रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए तो भी कंटिन्यू।